नमस्कार, अराइज न्यूज में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हिंदू धर्म में वर्ण एवं जाति व्यवस्था के चलते बौद्ध धर्म अपना लिया था और इसके बाद वो जीवन पर्यंत बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में लगे रहे। इसी से प्रेरित होकर गुजरात का एक स्वयंसेवक संगठन स्वयंसेवक दल बाबा साहब के विचारों को जन जन तक पहुँचाने में जुटा है। देखिए ये रिपोर्ट। न्यूज में आपका स्वागत है। मैं एराज न्यूज से विक्रम कुमार, हम आज गुजरात के मोरबी जिले से हैं और आज कुछ जो बाबा साहब ने बौद्ध धर्म अपनाया था तो उसके बारे में आज जो यहाँ बड़े पैमाने में SC ST OBC मूल निवासी के लोग हैं वो इधर इकट्ठे हुए थे तो इस कार्यक्रम के बारे में हम कुछ जानेंगे। तो मैं आपको पूछना चाहूँगा कि आज का जो कार्यक्रम है उसका क्या उद्देश्य था? आज का उद्देश्य 14 अक्टूबर 1956 में बाबा साहब ने कई सारे धर्म का अध्ययन किया और उसने देखा कि हमारे समाज में ये हमारी बिरादरी जो है इतनी क्यों गरीब है, लाचार है, पीड़ित है। तो उसने देखा कि इसका मूल कारण गरीबी है, भूखमरी, वो इसका कारण है धर्म। और वो धर्म में उसने संशोधन किया तो उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता, तो उसके लिए उसने बहुत सारे धर्म को पढ़ा और दुनिया के हर धर्म को पढ़ के उसने फैसला लिया कि जो सबको इक्वालिटी जो प्रदान करेगा तो वही एक विश्व धर्म है जो बौद्ध धर्म है, उसमें सभी इंसानों का कल्याण हो सकता है। तो आज जो भी कार्यक्रम हुआ है, इतने सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, तो यहाँ कोई संगठन के माध्यम से हुआ है या कैसे हुआ है? ये हमारा SSD नाम का संगठन है जो हमारी बिरादरी में से खड़ा हुआ है। वो समाज में और पूरे भारत में इक्वालिटी बनाना चाहता है और जो पिछड़े हुए लोग हैं हमारे बिरादरी में, गरीब, शोषित, पीड़ित, वो सबको पढ़ने पे ध्यान देता है और जो व्यसन है नशाखोरी उस पर भी ये काम करता है, जो नशा मुक्त अभियान चलाता है और गांव-गांव जाके ये नशा मुक्त बंद कराता है।